चिकन रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए घी, जीरा, लहसुन, प्याज, टमाटर, मटर, गाजर, ब्रोकली, चिकन, नमक, हल्दी, पानी। सबसे पहले हम अपने गैस स्टोव को ऑन कर लेंगे एंड उस पर एक पैन रख देंगे गरम होने के लिए। जिस भी बर्तन में आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो मैं अपने बेबी का खाना घी में बनाती हूँ, तो मैं यहाँ पे गोवर्धन घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 चम्मच डालेंगे घी। फिर इसमें जीरा डाल देंगे और इसको पकने के लिए वेट करेंगे। जैसे ही जीरा थोड़ा सा पकने लगेगा फिर इसमें हम डालेंगे। उसके बाद लहसुन डालेंगे थोड़ा सा, जितना भी अगर आपका बेबी खाता हो तो आप डाल सकते हैं, टेस्ट इससे अच्छा आता है। अब इसको अच्छी तरह मिला देंगे और थोड़ा देर इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। फिर अब हम डालेंगे प्याज एंड प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक के लिए हम इसको चलाते रहेंगे, बिकॉज़ प्याज का पकना ज़रूरी है। प्याज से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बच्चे के खाने में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो वो अब हम सब्जियाँ डालेंगे बाकी, लाइक जो मैंने आपको बताया है, गाजर, टमाटर, मटर, ब्रोकली, ये सारे खान जो सब्जियाँ हैं वो मैं अपने बच्चे के खाने में डालती हूँ। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग सब्जियाँ डाल सकते हो, जो भी आपके बच्चे को पसंद हो। और फिर इस सब्जी को हम चला देंगे एंड पकने के लिए थोड़ी देर के लिए, फिर छोड़ देंगे। इसको चलाते रहना है थोड़ी देर एंड फिर इसको किसी भी आप कवर से इसको कवर कर दीजिए। तो मैंने इसको कवर कर दिया एंड पकने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी थोड़ी देर पे हमें देखते रहना है कि हमारा जो सब्जी है वो कितना पक रहा है। तो इसको मैं मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है एंड फिर इसमें हम अब नमक डालेंगे। नमक डालने से सब्जियाँ जल्दी पकती है एंड अगर आपका बच्चा नमक खा रहा है तो आप नमक डालें, अदरवाइज़ नहीं। और थोड़ा सा हल्दी डाल दें। मैं यहाँ पे 2 चुटकी भर हल्दी डाला है और स्वाद अनुसार नमक भी डाला है। मेरा बच्चा नमक खाता है, डॉक्टर ने अलाउ किया हुआ है एंड अभी वो 11 मंथ्स का है तो ऑब्वियसली वो नमक खा सकता है। जनरली डॉक्टर 9 मंथ्स के बाद अलाउ कर देते, कुछ डॉक्टर्स 1 ईयर के लिए बोलते हैं। तो आप अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप नमक डालें या ना डालें, वो आपका चॉइस है। तो फिर से इन सब्जियों को अब हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए और देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सब्जी कितना पका है। और अब इसमें हम चिकन डाल देंगे क्योंकि चिकन को भी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मैंने यहाँ पे चिकन के ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है और ये पकने में कम टाइम लेता है। तो इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट के और फिर मैंने इसको सब्जियों में मिक्स किया है। और अब इसको अच्छी तरह चला देंगे और थोड़ी देर इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। इसको बीच बीच में आप इसको थोड़ा देर के लिए चलाते रहे ताकि सब्जियां नीचे से लाइक पैन में ना लगे, ताकि आप इसको चलाते रहें अच्छी तरीके से एंड कवर कर दीजिए। क्योंकि कवर करने से क्या होता है कि सब्जियां जल्दी पकती है या चिकन जल्दी पकता है। सो अब हम जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो सब्जी है और चिकन है वो आधी ऑलमोस्ट पक चुकी है। तो अब हम इसमें बस हमें ऐड करना है पानी, वो भी अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। हमें बस ये देखना है कि हमें कितना पानी डालना है जिससे कि हमारा सब्जी पक जाए। तो बस मैंने अपने अकॉर्डिंग पानी डाला है, कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है इसका मैंने, तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। एंड फिर इसको अच्छे से चला के हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के। सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये रेसिपी है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। ये ऑलमोस्ट ये सारी सब्जियां और चिकन पक चुकी हैं। तो बस अब हमें करना कुछ भी नहीं है, बस अब इसको गैस ऑफ कर देना है और इसे हमें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो हमें एक ब्लेंडर का जार लेना है और उसमें हमें अपनी रेसिपी को रखनी है जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, तो थोड़ा वार्म
एंड इसको बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये बेबी जिस भी कंसिस्टेंसी का खाना खाता हो आप उस कंसिस्टेंसी में इसको वो बना सकते हैं, थोड़ा थिक या फिर थोड़ा पतला, जैसा भी आपके बेबी को पसंद हो वैसा। तो मैंने इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया और ये बिल्कुल भी ग्राइंड हो गया है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बेबी के गले में फंसेगा। और मैंने इसमें थोड़ा सा वार्म वाटर ऐड कर दिया है जो मैं उसको पिलाती हूँ, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा थिक पेस्ट बन गया था तो वो उसको खाने में प्रॉब्लम होती, तो मैंने उसको थोड़ा सा वार्म वाटर ऐड कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें वाटर ऐड कर सकती हैं थोड़ा पतला बनाने के लिए, या फिर जिस भी कंसिस्टेंसी का आपका बेबी को पसंद हो खाना तो आप उसमें वो ऐड कर सकती हैं और अपने बेबी को फीड करा सकती हैं। तो हमारी चिकन की रेसिपी रेडी है और मैं अपने बेबी को यहाँ फीड करा रही हूँ, और आप उसका एक्सप्रेशन देख सकते हो यहाँ पे कि वो कैसे खाना खा रहा है। उसको जनरली पसंद आता है चिकन, फिश, लाइक नॉन वेज वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय के साथ खाता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। एंड आपको अगर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट में लिखिएगा कि आप अपने बेबी को क्या फीड कराती हैं और किस तरीके से रेसिपी बनाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।